सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं 82वें नंबर के इस श्लोक को, और इसमें गुणव्रतों के अंदर जो तीसरा गुणव्रत है आचार्य समद्वद महाराज के अनुसार, भोगो भोग परिमाण व्रत, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसकी परिभाषा यहाँ पर इस श्लोक में हम समझेंगे। तो चलिए पहले उच्चारण कर लेते हैं। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम, ठीक है। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवता मप्यवधौ, अर्थवता मप्यवधौ रागरतीनाम तनुकृतये, रागरतीनाम एक बार, अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणं अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतये। क्या कह रहे हैं? अक्षार्थानां परिसंख्यानं, अक्षार्थ, अक्ष बोलते हैं इंद्रिय को, ठीक, और अर्थ शब्द जुड़ा है उसमें यहाँ पर, अर्थात पदार्थ या विषय, जो इंद्रियों के विषय हैं उनका परिसंख्यानम अर्थात परिमाण करना, पांचों इंद्रियों के विषयों का, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनका क्या करना, परिमाण करना, अर्थात एक सीमा में बांधना कि इतनी ही चीज़ों का हम उपयोग करेंगे। उपयोग करने लायक चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन हम इतने का ही करेंगे, ये है। और इसको क्या कहेंगे? भोगो भोग परिमाणम, इसे भोगो भोग परिमाण कहते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार के पदार्थ होना चाहिए? तो नीचे की लाइन में कहा है अर्थवताम, क्या है अर्थवताम, आधा मा लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से आ निकलेगा तो बनेगा अपी, ठीक, और फिर या में से आ निकलेगा तो बनेगा अवधि। अवधि शब्द का सप्तमी एक वचन है अवधौ, ठीक है, तो उस अवधि में। अब तो ठीक है, यहाँ पर तीन शब्द निकलेंगे, अर्थवताम अपि राग के कारण से होने वाली जो लालसा है, जो विषयों की इच्छा है, जो रति है, ठीक है, तो राग के कारण से जो विषयों के प्रति जो लालसा होती है, जो अभिलाषा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, उनको तनु कृतये, तनु करने के लिए, तनु मतलब कृश, एकदम पतला दुबला कमजोर, तो उन लालसाओं को कमजोर करने के लिए, उन लालसाओं को कृश करने के लिए, कम करने के लिए अवधौ अपि, अवधौ उस अवधि के अंदर, अपि मतलब भी, किस अवधि के अंदर, जो अवधि हमने पहले बांध रखी थी उस अवधि के अंदर या फिर समय सीमा के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और आती है, अवधौ यहाँ पर अवधि क्यों कहा? क्योंकि हमने अणुव्रत जब लिए तो वहाँ पर भी परिग्रह परिमाण व्रत किया, एक बार परिग्रह परिमाण व्रत कर चुके, इसके बाद फिर भोगो भोग परिमाण व्रत कर दिया, तो परिग्रह परिमाण व्रत में जो हमने पहले सीमा बांधी थी उस सीमा के अंदर अवधौ ये लिखा है, उस सीमा के अंदर जो अर्थवताम अर्थात प्रयोजनभूत वस्तुएं हैं, क्योंकि परिग्रह परिमाण व्रत में तो हमने प्रयोजन और अप्रयोजन सारी चीज़ों का एक बार ले लिया था आजीवन के लिए, लेकिन
उस परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर, उस सीमा के अंदर और छोटी सीमा बनाना है। इन इन चीजों का प्रयोग करना है, तो हमने केवल उनका नियम ले लिया कि इनका प्रयोग करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। लेकिन वो चीज़ें रहेंगी उसी दायरे में जो पहले ली थी, ऐसा नहीं कि आप किसी और चीज़ का ले लें, नहीं। परिग्रह परिमाण व्रत में जो जिन हमने वस्तुओं का त्याग कर दिया है उनको तो आजीवन छूना ही नहीं है, लेकिन जिनको हम छू रहे थे उनमें से भी हमें भोगो भोग परिमाण व्रत में कुछ को हमें ग्रहण करना है, वो कहलाएगा क्या? भोगो भोग परिमाण व्रत। और क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे कि राग रतीनाम तनुकृते, जो राग के कारण जो अभिलाषाएं होती हैं वो हमारी क्रश हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। इसलिए उस परिग्रह परिमाण व्रत की अवधि के अंदर जो प्रयोजनभूत हमारे अक्षार्थानम परिसंख्यानम, जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, देखो हमारे इंद्रियों के विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा आज किसका काम है, आज हमें क्या काम करना है, तो वो जो प्रयोजनभूत हमारा जो काम की वस्तु होगी ना उसका हम ग्रहण करेंगे, बाकी का त्याग करेंगे। ठीक, तो जिन वस्तुओं को हम ग्रहण कर रहे हैं उनमें से ही हमें एक नियम बनाना है। जैसे हम मान लीजिए सेब फल खाते हैं, ठीक है, प्रयोजनभूत चीज़ें क्योंकि हमें वो भोजन में आता है, हमें खाना है, लेकिन उस प्रयोजनभूत वस्तु से भी हमें राग हटाना है, लालसा हटाना है, तो हम उसका भी क्या करेंगे? परिमाण करेंगे। परिमाण अलग अलग प्रकार का हो सकता है कि हम दिन में किसी भी तरीके का ले सकते हैं। तो ये भी समझने की बात है कि जिन विषयों का हम उपयोग कर रहे हैं उनमें हमारी लालसा ना बढ़ जाए, इच्छा ना ज़्यादा हो जाए, इसलिए उनमें भी हम परिसीमन करेंगे। ये सब इस भोग भोग परिमाण व्रत में आता है। नीचे और कुछ लिखा हुआ है वो भी हम समझ लेते हैं कि परिग्रह परिमाण व्रत की जो सीमा निश्चित की थी उसके भीतर विषय संबंधी राग के तीव्र उदय से होने वाली आसक्तियों को अत्यंत कृश करने के लिए सुखादि रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले भी, देखो अत्यंत कृश करने के लिए जो सुखादि रूप प्रयोजन को सिद्ध, जो वस्तुएं हमें सुख आदि दे सकती हैं, हमें लगता है कि वो हमें सुख प्रदान करती हैं, ऐसी हमारे लिए तो वो प्रयोजनभूत हो गई। तो ऐसे जो प्रयोजन को सिद्ध करने वाली वस्तुएं हैं, मान लीजिए पंखा है, हमें गर्मी में सुख देता है, हमें लगता है कि हमें सुख देता है, गर्मी दूर करता है, कूलर है तो हमारी प्रयोजन को शुद्ध करता है, तो ऐसे उन इंद्रिय संबंधी विषयों को अर्थात उस पंखा एसी कूलर का भी हम नियम करेंगे, उसका नियम किया जाता है और वह भोग भोग परिमाण व्रत नाम का गुण व्रत है। टीकाकार ने अर्थवताम अपि शब्द का एक अर्थ यह भी किया है कि अर्थ मतलब परिग्रह रहित मुनि तो इंद्रिय विषयों का परिणमन करते ही हैं। जो मुनि हैं वो तो परिग्रह रहित हैं, इसलिए वो तो इंद्रियों का नियमन कर ही लेते हैं, लेकिन जो परिग्रह सहित गृहस्थ हैं वो भी क्या करें? इंद्रिय विषयों का जो परिगणन करते हैं वह भोग भोग परिमाण व्रत कहलाता है। यदि गृहस्थ होके यदि फिर से गणना करना, एक बार फिर से उसको समय निश्चित करना, उसका सीमा बनाना, ये सब क्या कहलाएगा? भोग भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, परिग्रह परिमाण व्रत में भोग भोग की वस्तुओं की जो संख्या निश्चित की जाती है उसका प्रतिदिन उपयोग नहीं होता, है ना। परिग्रह परिमाण व्रत में तो आजीवन के लिए लिया हमने, लेकिन सारी वस्तुओं का हम प्रतिदिन उपयोग नहीं करते, इसलिए उस सीमा को और भी संकुचित करने के लिए हम भोगो भोग परिमाण व्रत धारण किया जाता है। गुण व्रत एक छोटे समय के लिए लिया जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, है ना, तो इसलिए हम निश्चित वस्तुओं को भी कर लेते हैं।
इस प्रश्न आदि पांच इंद्रियों के विषयभूत जो पदार्थ हैं वे संक्षेप में भोगोभोग नाम से व्यवहित होते हैं, है ना। जो पांचों इंद्रियों के जो भी पदार्थ जिनका हम उपयोग करते हैं वो सारे पदार्थ भोग और उपभोग नाम से जाने जाते हैं। विषय संबंधी राग की तीव्रता से विषयों में जो आसक्तियाँ बढ़ती रहती हैं उन्हें कम करने के लिए व्रती मनुष्य इंद्रिय विषयों की सीमा को और भी संकुचित करता है। भोग और उपभोग में जो अभक्ष अथवा अनुपसेव्य पदार्थ है उनका तो जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है। देखो, भोग और उपभोग में जो अनुपसेव्य हैं, जो अभक्ष हैं, उनका तो जीवन मर के लिए त्याग हो गया, ठीक है। लेकिन जो भोग है वस्तुएं हैं उनका हम यहाँ पर परिगणन करते हैं, ठीक है। तो उनका तो जीवन पर्यंत के लिए उनका तो जीवन पर्यंत के लिए त्याग होता है, लेकिन जो भक्ष और उपसेव्य होते हैं उनका जीवन पर्यंत के लिए अथवा कुछ समय के लिए परिगणन किया जाता है। प्रमाद के कारण से जो वस्तु खाई जाए वो भी अभक्ष है। बहुघात, जिसमें बहुत सारी जीवों की हिंसा होती हो वनस्पति का एक, वो भी। अनिष्टकारक, जो हमें नुकसान कर दे, जैसे जहर, अल्कोहल, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब अनिष्ट हैं। और अनुपसेव्य, जिसका सेवन ही ना किया जा सके, जैसे मिट्टी, धूल, है ना, कीचड़, तो ये अनुपसेव्य हैं, इनका सेवन नहीं किया जाता है फिर भी आप करें तो वो गलत है। तो ये सब यहीं पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो मनुष्य त्रस हिंसा का त्याग करना चाहता है उसे मधु और मांस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति त्रसघात के बिना नहीं होती। और जो त्रसघात के साथ प्रमाद का परित्याग करना चाहते हैं उन्हें मद्य त्याग करना चाहिए। देखो, जो मद्य है वो प्रमाद कारक है, इसलिए जो प्रमाद का त्याग करना चाहते हैं वो मद्य का त्याग कर दें, क्योंकि उसके सेवन से क्या होता है, त्रसघात और प्रमाद दोनों उत्पन्न होते हैं। अदरक, मूली, हल्दी आदि के सेवन से बहुघात होता है, ठीक, क्योंकि ये जितनी भी जमीकंद होते हैं इनमें अधिक जीवों की हिंसा होती है। अनिष्ट और अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन भी संक्लेश का कारण होता है, अतः व्रती मनुष्य इनसे दूर ही रहता है। इसके अतिरिक्त भक्ष्य और उपसेव्य पदार्थों के विषय में भी नियम किया जाता है कि आज इतने अन्न, इतने रस, इतने सचित्र पदार्थों का सेवन करूँगा। ये भक्ष्य, ये तो अभक्ष का तो त्याग ही करना है, जो भक्ष्य और उपसेव्य हैं उनमें भी हम एक निश्चित गणना करते हैं कि इतने रस, इतने अन्न, इतने सचित्र पदार्थों का हम आज उपयोग करेंगे, फिर कल के लिए अलग। कम करना है तो प्रश्न हो सकता है कि विषय संबंधी राग को कम करने के लिए कौन सा व्रत है, तो वो भोगोभोग परिमाण व्रत है, ठीक है। अब अगला श्लोक है जो किन चीजों का हम भोग और उपभोग क्या कहलाते हैं, इसकी परिभाषा इस श्लोक में दी है, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है इसका, तो देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, पहले उच्चारण कर लें। भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगोशनवशन प्रभृतिः पांचेन्द्रियो विषयः। पूरा पढ़ते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो शनवशन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः। तो क्या कहते हैं इसमें, भुक्त्वा भोग कर परिहातव्यो, छोड़ देना,
भुक्त्वा मतलब भोग कर, एक बार खाया फिर परिहतव्य, जो इसको छोड़ दिया जाता है या छोड़ने योग्य होता है उसे भोग कहते हैं। अर्थात एक बार भोगने के बाद दोबारा उसका भोग नहीं हो पाता है, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हुई, जल हो गया इत्यादि। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, और ऐसी वस्तुएं जिनका भोग करने के बाद फिर से पुनश्च भोक्तव्यः, फिर से भोगने योग्य होती हैं, उनको उपभोग कहते हैं। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर निकलेगा, ये पूर्व रूप संधि है असन और वसन, ठीक है, असन और वसन, सॉरी वसन ऐसे होगा, असन मतलब होता है भोजन और वसन मतलब कपड़े, ठीक। तो असन भोग चीज है और वसन उपभोग चीज है। तो यही कहा है कि असन वसन प्रवृत्ति ही, अच्छा अर्थात भोजन और वस्त्र आदि जितने भी पंचेंद्रिय विषया, पंचेंद्रियों के जो विषय हैं वो सभी क्या हैं, भोग और उपभोग कहलाते हैं, जिनको एक बार भोग करके पुनः ना भोगा जाए, मतलब एक ही बार भोगा जाए वो भोग है, जिसको बार बार भोगने योग्य हो सके वो उपभोग है।